गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11वीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो पाठ है, ये पाठ का थोड़ा सा परिचय हमें प्राप्त करना है और भावार्थ देखना है, वो हम देख लेते हैं कि अप्पू के साथ ढाई साल। पाठ का ये जो नाम है, सबसे पहले उसका साहित्य प्रकार है स्मस्मरण। क्या नाम है? स्मस्मरण, क्योंकि ये वास्तविक है, मतलब उनके जीवन में बहुत साल पहले ये घटना मतलब घटित हुई, फिर काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये पाठ को साहित्य के रूप में छापा है। तो मतलब पाठ का जो साहित्य प्रकार है, अप्पू के साथ ढाई साल, उसका साहित्य प्रकार है स्मस्मरण। और वो किसमें से? पथेर पांचाली फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है अप्पू के साथ ढाई साल। मतलब ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, ये पाठ बच्चों, ये पथेर पांचाली जो बंगला फिल्म बनी है, उसमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से नजर आती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बंगला मूल में विलास गीते ने किया है। मतलब यहाँ पे ये जो पाठ है अप्पू के साथ ढाई साल, जो पथेर पांचाली फिल्म में से लिया गया है। अब ये जो फिल्म है बच्चों, वो फिल्म जगत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इसके सृजन में व्याकरण से संबंधित बारीकाइयों का भी पता चलता है, और इसके साथ साथ इस फिल्म में फिल्मी दुनिया की जो ग्लैमर की दुनिया है, वो उससे बाहर निकलकर कला और कला सृष्टि को भी यहाँ पे एक साकार रूप दिया गया है। मतलब उन्होंने इस फिल्म में दर्शाया है कि हर एक वस्तु के लिए साधन की उपलब्धता होनी जरूरी नहीं होती, फिल्म बनाने के लिए कला भी महत्वपूर्ण होती है। इस फिल्म से उन्होंने ये सिद्ध किया है। लेखक ने यहाँ पे एक और बात, लेखक ने जो यहाँ पे ये पथेर पांचाली फिल्म बनाई है, तो इस फिल्म के सत्यजीत राय ने ये जो फिल्म बनाई है, वो मूल बंगला भाषा में बनाई। अब उसका हिंदी में यहाँ पे अनुवाद करने वाले जो है विलास, जिसका नाम है विलास गीते, उन्होंने हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमृत शंका उसे धीरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवित बन जाता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसे बेहतरीन फिल्मों से गुजरने से कम नहीं है। अर्थात बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि हर एक फिल्मकार के लिए उसकी जो पहली फिल्म बनती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहली फिल्म बनाते समय उसको जितनी भी मतलब परेशानी, कठिनाइयाँ, जो दुविधा होती है, उससे वो गुजरता है और फिर फिल्म बनाता है। और वो फिल्म कैसे बनती है, तो उसका अनुभव पूरी ज़िंदगी भर उसको रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मतलब उसकी जो फिल्म होती है, उसका एक अलग ही अनुभव उसको मिलता है, क्योंकि बचपन की जो यादें हमारे जहन में ताज़ा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से पहली फिल्म बनाते हैं। वो किस प्रकार से बनी और किस प्रकार से उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और वो जो फिल्म मेकर होता है, उसको हमेशा के लिए उसकी पहली फिल्म किस तरह से उसने बनाई, वो हमेशा उसको याद रहता है। अब यहाँ पे बच्चों, मैं आपको इस पाठ का भावार्थ बता देती हूँ। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म लेखक को बनाते बनाते काफ़ी साल बीत गए, क्योंकि उसमें कुछ दृश्य लाने थे, और वो दृश्य जब प्रकृति, जैसे कि ठंड के मौसम है तभी वो दृश्य आता है, तो उसी समय एक साल इंतज़ार करना पड़ा। सबसे पहले तो लेखक यहाँ पे जो सत्यजीत राय है, वो किसी जगह पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और उसमें से जो उनको पगार मिलती है, उसका वो इकट्ठा करते हैं, और फिर वो यहाँ पे फिल्म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि फिल्म के जो पात्र है, उसमें उनको छोटा एक लड़का जिसका नाम अप्पू, और उसकी बहन और उसके परिवार के सदस्य, जो एक मिठाई वाला होता है, वह गांव का पूरा दृश्य खड़ा करना है, रेलगाड़ी का दृश्य, जो फूलों के खेत होते हैं उनका दृश्य लेना है, उसमें जो तरह तरह के जानवर भी उनको दर्शाने, जैसे कि कुत्ता होता है, सांप होता है,
ये भी, तो ये सब चीज़ों की उनको आवश्यकता थी। सबसे पहले इस ये अप्पू के साथ 2.5 साल, मतलब ये जो छोटा बच्चा है उसके पात्र की वो खोज करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, उनको देखा, और उनमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो लड़कियों को बाल काट कर उसको लड़का बना के लेकर आते थे ताकि फिल्म में उसको काम मिले। लेकिन उसमें से लेखक की जो खोज है वो एक जगह पे जाकर ख़त्म होती है। फिल्म की शुरुआत जब होती है तो उसमें वहाँ पे फिल्म शुरू होती है बनने के लिए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और ये करीबन ये जो पूरी फिल्म है करीबन काफ़ी 5-6 साल उसको कंप्लीट होने में लग जाते हैं, क्योंकि लेखक के पास जब जब पैसा आता है तब तब वो फिल्म बनाते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो वो फिल्म बंद कर देते हैं, और जब पैसा आता है तब वापस फिल्म बनाते हैं। कुछ दृश्य उनको लेने होते हैं तो उनको बारिश के मौसम, ठंड के मौसम तक इंतज़ार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस ये जो फिल्म बनाते हैं उसमें एक मिठाई वाला होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो वास्तविक पात्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे सत्यजीत राय के लिए एक प्रश्न बन जाता है कि उसी की तरह दिखने वाला मिठाई वाला कोई दूसरा पात्र वो ढूंढते हैं, और यहाँ पे दूसरा एक इंसान जो मिठाई वाला जैसा दिखता था वैसा ही इंसान उस मूवी के लिए अर्थात अपनी पिक्चर के लिए वो ढूंढकर लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, ये जो फिल्म बनती है, फिल्म में जो कुत्ता होता है वो कुत्ते के किस तरह से उससे काम लेना है, कभी कभी 2-3 बार भी उनको उस जानवर के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारा जो अनुभव है, ये अनुभव को लेकर यहाँ भी पथेर पांचाली फिल्म बनाई गई। और ये फिल्म का काम मैंने आपको बताया ना, करीबन 5 साल, 1.5 साल के, 1.5-2 साल, 3 साल के ऊपर चला। और ये जो पूरी शूटिंग है यहाँ पे, जो सत्यजीत रॉय है, ये सत्यजीत रॉय किसी विज्ञापन की कंपनी, जैसे कि हम लोग नहीं यहाँ पे तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट की कंपनियाँ होती है, उस कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करते थे, जब उसमें से पगार मिलती उसको इकट्ठा करते और फिर फिल्म बनाने में लगाते थे। तो पथेर पांचाली फिल्म में यहाँ पे अप्पू के साथ 2.5 साल, तो मतलब उसमें से ये हम पाठ लिया गया है जो पढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये पाठ की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है अप्पू यानी ये फिल्म का मुख्य पात्र, उसकी बहन है, घर के सदस्य है, गाँव का दृश्य है, सुंदर सी यहाँ पे रचनाओं का निर्माण हुआ है। तो ये सब बातें हम जब पाठ पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, थैंक यू।